राजस्थान में कितने मुसलमानों की आबादी और कितने विधायक जीत कर जाते हैं आप देख लीजिए, चाहे वो जुम्मे की नमाज के ऊपर हो या फिर कावड़ यात्रा, अभी जो कावड़ यात्रा चल रही है उसके ऊपर हो। आप लोग वोट ही नहीं डाल रहे। राजस्थान में आखिरी मरतबा लोकसभा से मुसलमान एमपी कब जीता था आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? कास्ट पूछिए, कौन किसके कास्ट पे वोट देगा नहीं देगा पूछिए, ये क्या बात है? हिंदू मुस्लिम पे लाके राजीव सुनिए, तो आपका टाइम खत्म, अब जनता का टाइम शुरू हो जाता है, बस ये पॉलिटिक्स है। इसमें कोई वर्स मैंने, अगर आप मेरे सर पे भी बंदूक लगाए थे जर्नलिस्ट बनो, बोलता नहीं बनना है मुझे, वो आपको देखकर कह रहा हूं। आज हमारे देश में हिंदू मुस्लिम इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम लोग हर जगह देख रहे हैं, प्रोटेस्ट हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो जुम्मे की नमाज के ऊपर हो या फिर कावड़ यात्रा, अभी जो कावड़ यात्रा चल रही है उसके ऊपर हो। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के थ्रू ही ये हिंदू मुस्लिम आया है। मैं इस ऑडियंस से ये पूछ रहा हूँ, आपके सामने सबसे बड़ा सवाल अगर मैं कहूँ, जिनको लगता है नौकरियां, खासकर की यंग, द बिगेस्ट इश्यू इज जॉब्स और हिंदू मुस्लिम, Those who think it is jobs, raise your hand. जिनको लगता है नौकरी सबसे बड़ी समस्या है वो अपना हाथ खड़ा करें। जिनको लगता है युवाओं के लिए हिंदू मुस्लिम सबसे बड़ा सवाल है वो अपने हाथ खड़ा करें। नहीं, आप हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहे, कास्ट पूछिए ना। नहीं नहीं आ, 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 ये नहीं, कास्ट पूछिए, कौन किसके कास्ट पे वोट देगा नहीं देगा पूछिए, ये क्या बात है? हिंदू मुस्लिम पे लाके राजदीप सुनिए, आज मोदी सरकार में अपर कास्ट के 37% रिप्रेजेंटेशन है कैबिनेट में, 37%, बताइए क्या है ये? राजस्थान की हर सरकार में देख लीजिए। दिस गर्ल इज सेइंग दैट शी डजंट वांट द हिंदू मुस्लिम नैरेटिव। आई विल आंसर हर, आई विल आंसर यू आर यू ऑलवेज आस्क दिस, दिस इज एन यूफेमिज्म फॉर यू, हिंदू मुस्लिम। अरे कास्ट पे तो पूछिए, अगर कास्ट रियलिटी नहीं होता तो कल इंग्लिश पेपर उठा के देख लीजिए, मैरिज प्रपोजल देखिए, किस किस का मैरिज, किसको शादी करना है। कास्ट रियलिटी है राजदीप, इसको डिनाई मत करिए आप, कास्ट रियलिटी है। और जब इलेक्शन होगा सब कास्ट के लाइन पे वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम। अरे हिंदू मुस्लिम देखिए बोल रहा हूँ ना, हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम बोल रहा हूँ। आज भारत की लोकसभा में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर जाते हैं। आप लोग ही वोट नहीं डाल रहे ना मुझे, ठीक है आप मुझे ब्लेम करिए, मैं सबसे खराब आदमी हूँ, मगर 4% क्यों जीत के जा रहे हैं बताइए? आप लोग वोट ही नहीं डाल रहे। राजस्थान में आखिरी मरतबा लोकसभा से मुसलमान एमपी कब जीता था आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? राजस्थान में कितने मुसलमानों की आबादी और कितने विधायक जीत कर जाते हैं आप देख लीजिए। आज हिंदू मुस्लिम की वजह से ही सिर्फ एक ही समुदाय को नुकसान हो रहा है, मुसलमान को, और दूसरों को नुकसान नहीं हो रहा है। मगर मुसलमानों को ये नुकसान समझने की जरूरत है। मुसलमान जो है अब ये मुसलमान को बदलना पड़ेगा। वो हमेशा एमएलए में सेकुलरिज्म का परचम लेके नाचूंगा, नाचिए, खुद नाचते रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। ओके, आपका फायदा उस किस में है वो देख लीजिए। आई वांट टू आस्क यू दिस मिस्टर राजा, यू हर्ड दिस व्हेन द क्वेश्चन वाज आस्क्ड, दे सेड मेजॉरिटी सेज जॉब्स इज द मेन इशू। देयर इज नथिंग बेस्ट और वर्स, दिस इज दिस वर्ड बेस्ट एंड वर्स इज लाइक पीपल हु प्रैक्टिस एंटाइटल। आपको अच्छा क्या लगता है? सुनिए एक बस सुनिए, बेस्ट एंड वर्स ऐसा है ना कि जो फ्यूडल होता है ये अच्छा है ये बुरा है। आप जब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो आपका टाइम खत्म, अब जनता का टाइम शुरू हो जाता है, बस ये पॉलिटिक्स है। तो इसमें कोई वर्स अच्छा बुरा है कि आपका टाइम, आप जब पॉलिटिक्स में हैं ये जनता का टाइम है, बस जिसका आपको जो उसका ख्याल रखना पड़ेगा। बेस्ट क्या है, वर्स क्या है, आपको दिन में 15 घंटे काम करने की ताकत है करिए, नहीं कर सकते तो भाई दूर बैठो। अगर करना है ये एक तरफा मोहब्बत है पॉलिटिक्स। कोई आपके आदर्श पॉलिटिशियन, कोई इंस्पिरेशनल आदर्श, कोई पॉलिटिशियन जो आज आप देखते हैं और कहते हैं यार ये बड़ा अच्छा पॉलिटिशियन है? राजदीप देखिए इस हम्माम में सब नंगे हैं। आप किसी, कोई एक तो होगा कोई आदर्श पॉलिटिशियन। मेरी नजर में बाबा साहेब अम्बेडकर। और अगर आप नेता नहीं बनते तो आप पत्रकार बनना चाहेंगे या नहीं? आने अगर आप मेरे सर पे भी बंदूक लगाए थे जर्नलिस्ट बनो, बोलता नहीं बनना है मुझे वो आपको देखकर कह रहा हूं। आई विल से कि ओवैसी जी कौन जाने कल हम नेता बन जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए, नाउ आई एम अफ्रेड दैट दिस लिटिल स्लाइस विल बी पुट आउट ऑन सोशल मीडिया एंड आई विल गेट इनटू ट्रबल, बट दैट इज फॉर अनदर डे। Wonderful audience.
टेरिफिक पैनलिस्ट, थैंक यू ऑल वेरी मच, एंड इंडिया एट 75 विल कंटिन्यू टू हैव दीज कॉन्वर्सेशंस. थैंक यू. थैंक यू राजीव. राजीव जस्ट बी देयर फॉर अ मिनट. Just be there for a minute. And thank you all. First of all, a big thanks to the panelists who were being patient and who actually came through. And they gave us time in the parliament session as well. And thanks a lot to everyone. You have been a wonderful audience. I would like to extend a thanks to all the participants who came to speak, the volunteers who worked, and above all, a big thanks to Anant Kumar of Clarks for allowing us to host the event here. A big thanks to Clark Group of Hotels and Google for supporting us. Channel ko like, share and subscribe kare aur bell icon dabana na bhule.